दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी को लेकर विजय सेतुपति का चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया है। फिलहाल डंकी का ऐसा क्रेज देखने को मिल रहा है कि बॉलीवुड और साउथ में सबके होश उड़ गए हैं। वहीं विजय भी शाहरुख की फिल्म डंकी की दिल खोलकर तारीफ करते हुए कहते हैं, उनके जैसा स्टार आज तक नहीं बना। वहीं दोस्तों, शाहरुख खान के फैंस भी डंकी की जमकर प्रमोशन करने में लगे हुए हैं और मुंबई कोलकाता में पहले ही कुछ थिएटर शोज हाउसफुल हो चुके हैं। डंकी को लेकर पब्लिक क्रेजी हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म पहले दिन ही इंडियन फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तबाह कर देगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डंकी को विदेशों में हॉलीवुड लेवल पर रिलीज किया जाएगा। पूरी दुनिया शाहरुख खान को ग्लोबल स्टार मानते हैं। जवान के बाद डंकी असली सुनामी लेकर आएगी। ये साल पूरा शाहरुख का होने वाला है और इस बार सारे रिकॉर्ड तबाह हो सकते हैं। किंग खान के अलावा इस फिल्म काफी बड़े एक्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें विक्की कौशल, बोमन ईरानी जैसे एक्टर शामिल हैं। वहीं डंकी को इस बार ओवरसीज में हॉलीवुड से टक्कर करनी पड़ रही है, जिससे अमेरिका कलेक्शन पर फर्क पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि डंकी को अमेरिका में 2000 से ज्यादा स्क्रीन मिल चुके हैं और बाकी देशों की मिलाकर डंकी दुनिया भर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज होने जा रही है। डंकी एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म होगी जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। इस फिल्म को सिर्फ 100 करोड़ के बजट पर बनाया गया है और क्लासिक फिल्म के लिए इतना बजट बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इस फिल्म में कॉमेडी के साथ थोड़ा इमोशन सीन भी देखने को मिलेगा। राजकुमार हिरानी की अभी तक जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है सबने रिकॉर्ड तोड़े हैं। फाइनली पहली बार शाहरुख खान और राजू हिरानी कोई फिल्म एक साथ कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट 22 दिसंबर 2023 रखी गई है और इससे पहले हमें जवान के बाद अब टाइगर 3 में शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। डंकी और सलार दोनों फिल्में अलग अलग रिलीज होती है तो ज्यादा कमाई करेगी और एक साथ आती है तो फिर एक ही फिल्म आगे जाएगी। लेकिन हिंदी में कोई फिल्म डंकी के आसपास भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से डंकी और सलार की ये लड़ाई है, ये पावर की लड़ाई है। डंकी की सीधी लड़ाई साउथ फिल्म सलार से देखने को मिल रही है और एक दूसरे के फैंस जमकर बवाल मचा रहे हैं।